हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, है ना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम कई दिन बाद एक्टिव हुए अपने चैनल में, है ना। जो पास्ट था थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाते हैं, तो आइए हम प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं, है ना। और आज का लेक्चर या आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो लोग नए लोग जिन्होंने नहीं देखा तो उनको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने अपने चैनल में कई सारे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं ना। जैसे कि आपको पता होगा 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के फिजिक्स के हैं, है ना, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसी में से हमारा एक बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का भी प्लेलिस्ट बन रखा है ना, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के जो बेसिक टर्म्स है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम, एलसीएम, वो सारी चीज मतलब धीरे धीरे वन बाय वन बाय करके हम उसे कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, कुछ टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, है ना। तो आ जाइए, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम, है ना। एलसीएम जो कि हमारा मैथमेटिक्स का एक बेसिक पार्ट है ना, उसके बारे में आज हम जाने हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हम एलसीएम के बारे में क्या देखने वाले हैं या फिर क्या जानने वाले हैं, है ना। तो हम सिंपल से एलसीएम के बारे में क्या बात करेंगे, तो क्या करेंगे हम एलसीएम के बारे में देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का इंट्रोडक्शन, है ना। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में बोले तो हम देखेंगे एलसीएम होता क्या है, कहाँ पर एलसीएम के यूज और कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है एलसीएम को सॉल्व करने के लिए, या फिर एलसीएम के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो आज ये सबसे पहले सिंपल अगर हम बात करें तो एलसीएम, जैसे कि आप सभी को पता है कि एलसीएम होते हो मोस्टली स्टूडेंट्स को, है ना, 99% स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि एलसीएम क्या है ना। लेकिन आपको एक बात आपने शायद नोटिस की होगी, एक बात, कई बार स्कूल स्टूडेंट्स जो हायर क्लासेस के होते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, कई बार मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो एलसीएम हमारे बेसिक टर्म है ना, सिंपल टॉपिक, हार्ड लिंक, कई बार उन्हें भी इस टॉपिक में या फिर इसे सॉल्व करते दौरान प्रॉब्लम आती है। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि इतने सारे बेसिक टर्म होते हैं ना तो वहाँ मिस्टेक्स हो जाती है ना। कोई बात नहीं, तो आज ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो एलसीएम फुल फॉर्म क्या है बताइए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ये हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म है। अब देखो, लोवेस्ट भी बोल सकते हो या फिर आप ये भी बोल सकते हो, क्या दूसरा है इसका नाम लीस्ट, है ना। जरूरी नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप बोल सकते हैं ना। तो ये तो सिंपल हमने बात कर ली क्या चीज इसके फुल फॉर्म की। और एक और बार शायद आपको पता हो या ना पता हो, इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं या फिर इसको और कैसे जाना जाना जाता है, लीस्ट या फिर लोएस्ट, है ना। लीस्ट या फिर लोएस्ट आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, एक टर्म है लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन डिवाइजर, है लीस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको हम और किससे जान सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन डिवाइजर से, है ना, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि अब ये होता क्या, सिंपल से नाम से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा क्या। सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें कि लोएस्ट की, है ना, लोएस्ट, लोएस्ट आप सभी को पता है, लोएस्ट यानी सबसे कम या फिर मिनिमम, वो होता है लोएस्ट। कॉमन, वो भी आपको पता है, कॉमन चीज जो चीज सेम हो, है ना, आइडेंटिकल हो, कॉमन उसे बोलेंगे। अब मल्टीपल की बात करें तो सिंपल मल्टीपल का समझो कि मल्टीपल अगर हम कोई भी नंबर को सपोज कर हम 3 लेते हैं, तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 3 खुद भी होगा 6 9 12 15 ऐसे करते करते, है ना। अगर 7 की बात कर लें तो 7 भी होगा 14 21 तो ये सारे जो हैं, अगर हम इसकी बात करें, ये सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल है, और ये सारे हमारे पास ऐसे चलता रहेगा ना, रुकेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा। तो ये सारे हमारे 3 के मल्टीपल्स, ये सारे 7 के, तो ये सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे, है ना। और डिवाइजर आपको पता होगा जो चीज डिवाइड करता है ना, जैसे आपने देखा हो कई बार, ऐसे सिंपल सी बात करें 28 डिवाइड अगर हम 4 की बात करें तो जो 4 हो गया वो हो गया हमारा डिवाइजर, है ना। तो इतना आपको समझ में, इसको मैं रब कर रहा हूँ ना, इतना आप सभी समझ में ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तो हमने क्या समझा कि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको और किस नाम से जाना जाता है,
LCD लीस्ट कॉमन डिवाइजर कितना बदलेगा। अब आ जाइए हम बात करते हैं LCM के क्या चीज, कुछ एग्जांपल है ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। LCM देखो, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका आप उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि उसके रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है ना। हम उस चीज को LCM पढ़ तो रहे थे, सॉल्व करना था, लेकिन उसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ वो चीज यूज होती है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो आज हम कहाँ स्टार्ट करते हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज, सिंपल से एग्जांपल समझो। अगर जो लोग अभी स्कूल में होंगे या फिर पास आउट हो गए उन सभी लोग को पता होगा, सिंपल से मैं बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ क्या चीज। सपोज करो हमारे स्कूल में ऐसे तो कई सारे फंक्शन होते हैं स्कूल या कॉलेजेस में, मेनली मैं दो चीज की बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे या फिर 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, इन दो दिन हमारे कॉलेज स्कूल्स में फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है ना, चीफ गेस्ट आते हैं, उनके वेलकम के लिए मोस्ट ऑफ स्कूल या कॉलेज में हम परेड, आपने देखा होगा जब आप स्कूल में होंगे या फिर अगर होंगे तो भी तो आपने देखा होगा परेड होती, तो वो सब चीज थोड़ी देर के बाद सिंपल हम परेड हम बात करते हैं ड्रम की। तो सपोज करो हमारे पास क्या चीज है, सपोज करो हमारे पास 3 स्टूडेंट है ना, जो क्या करने वाले हैं, ड्रम बजाएंगे, ABC हमने नाम ले लिया। अब ड्रम सपोज करो है ना, ये हमारे पास ड्रम है, एक ड्रम, दो ड्रम और 3 ड्रम। डायग्राम पे मत जाइए है ना, सिंपल आप समझिए कि टॉपिक क्या कहना चाहता है, डायग्राम मत जाइए, ठीक है। अब देखो परेड हो रही है ना, तो इनका भी कुछ प्रॉपर डिसाइडेड मैनर होगा ड्रम बजाने का है ना, कोई रिदम पकड़े होंगे, तो ठीक है। अब सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल ए स्टूडेंट है, अपने ड्रम को हर 3 सेकंड में वो बीट करते हैं यानी बजाता है, बी स्टूडेंट क्या करता है हर, सपोज कर लो कुछ भी 5 सेकंड सपोज करो, ठीक है, हर 5 सेकंड में, और सी स्टूडेंट है वो हर 10 सेकंड में, ठीक है। तीन की रिदम मान लो जो भी चीफ गेस्ट है वेलकम कर रहे हैं ना, तो उसमें ये जो ड्रम बॉयज हैं जो भी ड्रम बजा रहे हैं ABC ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट देखो फर्स्ट बीट एक साथ पड़ेगी, जब फर्स्ट ड्रम बजाएंगे तो एक पर्टिकुलर कोई टाइम होगा, जो भी टाइम होगा उस टाइम पे तीनों बीट एक साथ, सपोज करो 3 बॉयज है यहाँ तो मैं अकेला कोई बात नहीं, तीनों एक ही टाइम बीट कर रहे हैं ऐसे है ना, फर्स्ट टाइम है सेम सा एक साउंड आ रहा है तीनों बीट पे, लेकिन आफ्टर 3 सेकंड इसका बीट होगा है ना, फिर कुछ 2 सेकंड बाद इसका होगा और फिर कुछ इसका, मतलब जब नेक्स्ट टाइम बीट होगा तो अलग अलग साउंड होगा, ये अलग अलग साउंड आ रहे हैं। तो बस LCM को बस यही यूज है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस समय पर ये तीनों ड्रम एक साथ बीट होंगे है ना। देखो अभी इतना ध्यान रखो, सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है वो बाद में देखेंगे है ना, सिर्फ और सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जो LCM की रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या क्या है, तो ये समय है ना। तो इससे हमको पता चलेगा कि फर्स्ट जो फर्स्ट स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग टाइम था, उसमें एक साथ बीट हुआ है ना, अब नेक्स्ट आने वाले कौन से टाइम में तीनों बॉयज एक साथ ड्रम को बीट करेंगे है ना, ये एग्जांपल हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर ऐसा हमको टाइम फाइंड आउट करना है जिस पर ये तीनों बॉयज एक साथ बीट करेंगे, वो फाइंड आउट करने पर हम उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे LCM, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, समझ में आया आप सभी, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है ना, सर्कल है या फिर इसको जो बोल दो, ये हमारे पास क्या है, एक हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये हमारे पास रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। सपोज करो यहाँ भी हम 3 बॉयज ले लेते, सपोज करो X Y Z, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यही फिनिशिंग पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अब सपोज करो एक्स जो बॉय है, उस बंदे को या उस बॉय को एक राउंड कवर करने में लग जाते हैं कितने, 12 मिनट्स है ना, वाई को लग जाते हैं 10 मिनट्स एंड जेड को लगते हैं 15 मिनट्स, सपोज करो ना। अब देखो नॉर्मल सी बात है, 3 बॉयज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे साइकिलिंग करना है ना, रेसिंग ट्रैक है तो साइकिलिंग कर रही है तीनों, तो अब देखो हर किसी का स्टैमिना अलग अलग होता है, कोई जल्दी थक जाता है, कोई लेट है ना, तो उस हिसाब से जो एक्स को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं है ना, वाई को 10 और जेड को 15,
तो सपोज करो स्टार्टिंग की पोजीशन तो तीनों की सेम है, मान लो जो स्टार्टिंग है हम स्टार्टिंग पोजीशन तीनों की सेम है। अब मान लो फर्स्ट की बात करते, जो वाई है वाई बॉय है वो जब यहाँ एक राउंड कंप्लीट करेगा 10 मिनट्स हो जाएंगे, इस पोजीशन पे यहाँ पहुंच जाएगा वाई, उस समय अप्रोक्स हम एग्जैक्टली बता रहे हैं उस समय जब 10 मिनट्स हो रहे होंगे तो वाई का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और एक्स का होगा थोड़ा पीछे होगा, यहाँ पर होगा एक्स और वाई कुछ यहाँ पर होगा अप्रोक्स सॉरी रिजल्ट है ना। तो यानी अगले एक राउंड में तीनों की पोजीशन अलग है, स्टार्टिंग में तीनों की पोजीशन सेम थी लेकिन फिर तीनों की पोजीशन अलग है, तो वही चीज आ गई कि अब आने वाला कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें तीनों की सेम पोजीशन होने वाली है। तो फिर से इस उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे एलसीएम का, समझा? किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एग्जांपल देख लीजिए क्या चीज, इसको मैं रब कर देता पहले, तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताइए ना। तो हमने क्या देखा, पहले एलसीएम समझा क्या होता है, फिर एलसीएम हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे। ये तो हमने सिर्फ दो एग्जांपल की बात की, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल है आप गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया एग्जाम्पल्स, अब हम बात करते हैं किस चीज की, किस चीज की बात करते हैं, मेथड टू सॉल्व, है ना। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, मेथड टू सॉल्व एलसीएम, है ना। कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है क्या करने को, एलसीएम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है, ध्यान देना, हमारे पास टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास तीन, सॉरी हाँ, तो हमारे पास टोटल कितनी, तीन मेथड्स है ना, कितनी मेथड्स है। तो सबसे पहली मेथड क्या है, लिस्टिंग द मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स, लिस्टिंग द मल्टीपल्स फर्स्ट मेथड ये, सेकंड मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एंड द फाइनल वन थर्ड वन क्या है, डिवीजन, डिवीजन मेथड, है ना। तो ये हमारे पास, ये हमारे पास कितनी मेथड होगी, ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, एलसीएम से रिलेटेड जो भी एग्जांपल क्वेश्चन है, है ना, वो चीज हम इन तीन मेथड से फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। देखो आज की इस वीडियो में तो बस हम यहीं तक बात करने वाले हैं, है ना। तो अब फाइनल में अगर आपको कंक्लूजन करूं, कंक्लूड करूं आज के लेक्चर, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एलसीएम के बारे में उसका इंट्रोडक्शन हमने ये देखा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम को और किस नाम से जानते हैं। दूसरा जी, हमने उससे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे। देखो एक चीज याद रखना, वो जो हमने फाइंड आउट रियल लाइफ एग्जांपल दी उसको मैंने अभी सॉल्व करके नहीं बताया, क्योंकि सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एलसीएम कहाँ यूज होता है ना। बाकी जब आपको पहले मेथड तो आनी चाहिए ना, तभी उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक, सिर्फ हमने एग्जांपल देखे, जब बाद में मेथड आ जाएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर तीसरी चीज क्या, मेथड टू सॉल्व एलसीएम, एलसीएम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स, तो ये तीन मेथड्स आपके सामने है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और भी कोई दिक्कत हो, है ना, क्योंकि हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मीट किए मिले हैं, है ना। तो कुछ और प्रॉब्लम आ रही, लाइटनिंग की प्रॉब्लम आ रही, लैग वैग का कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ भी हो दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए, है ना। तो आज के इस लेक्चर में बस हम यहीं तक बात करेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।